दोस्तों सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए कई चैनल पर झूठे खबरें चलाई गई थी और एक आपसी विवाद को धार्मिक एंगल देने की कोशिश की गई थी, जिसका काला चिट्ठा सामने आया है। आए दिन चैनल पर केवल झूठ परोसा जा रहा है। बिहार में एक युवक पर हमला होता है और फिर चैनल के लोग उसे नुपुर शर्मा के वीडियो के साथ जोड़कर ये खबर पूरे दिन चैनल पर चला देते हैं। सीतामढ़ी नानपुर थाना क्षेत्र के जाहिदपुर बहेड़ा में झगड़ा हुआ सिगरेट में गांजा भरकर पीने को लेकर, लेकिन नेशनल मीडिया धार्मिक रंग देने पर तुल गई थी और सामने आई तो सुनने के बाद सबके होश उड़ गए। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों बिहार के सीतामढ़ी में सिगरेट के धुएं के कारण दो लोगों में आपसी विवाद हो गया, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया ने खबर दिखाई कि एक लड़का चाय की दुकान पर नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था, जहां मुस्लिम समुदाय के दो लोगों ने उस पर हमला कर दिया। यह खबर टीवी के बड़े बड़े चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज करके चलाई गई थी। दरअसल घटना 15 जुलाई की है और सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड गांव की है, जहां पर चाय के दुकान पर 4 से 5 लड़के नशा कर रहे थे। इसी दौरान सिगरेट पी रहे थे। एक युवक ने दूसरे लड़के पर धुआं छोड़ा, जिसके बाद आपस में झगड़ा हो गया। वहीं इसी बीच एक युवक ने अंकित नाम के लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अंकित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच की और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने इस मामूली विवाद को खत्म कर दिया। लेकिन 18 जुलाई को अंकित का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नुपुर शर्मा की वीडियो देखने पर मुझ पर हमला हुआ। इस खबर के बाद मेनस्ट्रीम मीडिया ने एक समुदाय को लेकर नफरत फैलाना शुरू कर दिया। खबरों को इस तरह से पेश किया गया कि जो नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते हैं उनको मारा जा रहा है। इन खबरों के बाद सीतामढ़ी के एसपी हरकिशोर राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना की पूरी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि विवाद सिगरेट के धुआं फेंकने का है, जहां कुछ लड़के चाय की दुकान पर सिगरेट पी रहे थे, जिसमें से एक ने बाकी लड़कों पर सिगरेट का धुआं छोड़ दिया। हमने इस मामले को जांच के बाद खत्म कर दिया था। यह मामला नुपुर शर्मा से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया में खबर पूरी तरह से पीड़ित का दोबारा बयान दर्ज किया गया। इस मामले में मिलन्स टाइम के रिपोर्टर मेराज आलम ने पूरी जानकारी लेने के लिए गांव के सरपंच से भी बात की, जिसका बयान आप भी सुन सकते हैं। लड़ाने का काम किया, यहां पर स्थानीय सरपंच से भी बात हुई, हमारी मुखिया से भी बात हुई। बिल्कुल सन्नाटा माहौल है, यहां पर आपस में प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं। बात करने की कोशिश करेंगे मुखिया जी, इनसे क्या कहते हैं मुखिया जी, क्या मामला पूरा? देखिए यहां कोई विशेष मामला नहीं है, वो थोड़ा सा वो लड़के लोग आए थे गुमती पर, वो सिगरेट उगरेट पी रहे थे, उसी क्रम में कुछ हो गया, उस सबसे चकचुक धुआं हुआ के चक्कर में इसीलिए विवाद हुआ, और विवाद के क्रम में एक लड़का जो था छोटा वाला उसने चाकू चला दिया, जो उस अंकित कुमार लड़का जो है उसको चाकू लग गया है और वो सही है, खतरे से बाहर है। और यहाँ किसी प्रकार का कोई हिंदू मुस्लिम की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन नेशनल मीडिया जो नुपुर शर्मा से जोड़ रही है पूरे मामले को, सीधे तार जोड़ रही है, उस पर क्या कहना है आपको? किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, परोसा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जब हम लोग जिस समय घटना घटी थी उस वक्त तो हम नहीं थे यहाँ, ऑन प्रेजेंट में नहीं था, लेकिन मैं कुछ देर के बाद यहाँ जब पहुँचा तो लोगों से मैंने हकीकत जानकारी लिया तो मुझे ये पता चला कि वो नुपुर शर्मा की, उन्होंने ये कहा कि मीडिया में हिंदू मुस्लिम एंगल देकर गलत खबर चलाई जा रही है, यह केवल मामूली विवाद था। सिगरेट के धुएं को लेकर दो लोगों में आपसी विवाद हुआ, जहां नुपुर शर्मा को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। बिना सच जाने एक चैनल पर केवल टीआरपी के लिए ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं। इसका जनता पर क्या असर होगा ये कोई नहीं सोचता। और यही नहीं दोस्तों, इस खबर को दिखाते हुए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जिहादियों ने युवक पर चाकू से वार कर दिया, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या अब चैनल पर सरकार कार्रवाई करेगी झूठी खबर दिखाने के लिए? शायद नहीं करेगी, क्योंकि चैनल भी कहीं न कहीं सरकार का ही काम कर रही है, और वो कैसे ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।